एक इंडियन मोटरसाइकिल कंपनी आइडियल जावा इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, मैसूर बेस्ड ये कंपनी थी जिसने 1960 में जावा के लाइसेंस वगैरह सब अपने पास खरीद लिए और उनको खूब बेचा। और 1973 से, यहाँ पे हल्का सा जूम करें, यजदी के नाम से खूब बेचा। यजदी की सबसे अमेजिंग जो बात है वो है ये, यही गियर है और यही किक स्टार्ट है। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे पांव रख के थोड़ा सा अंदर को प्रेस करते हैं और अंदर को प्रेस करके यूं इस तरफ को आ जाता है ये, और उसके बाद इसको यहाँ से किक मारते हैं और वेलकम टू इंजीनियर सिंह चैनल। दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जी हाँ, आप सबको पता है आज का टाइटल और थंबनेल देख के आप सबको पता लग ही गया हुआ है कि आज इंजीनियर सिंह के हाथ लगी है यजदी। जी हाँ, ये वही है। अब मैं यार थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूँ, थोड़ी सी इन शॉर्ट में, कि कंपनी कौन सी है। सबको लगता है कि चेक रिपब्लिक, बट आज हम बताएंगे एक ऐसी इंडियन कंपनी के बारे में, आइडियल जावा इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, आइडियल जावा इंडिया लिमिटेड एक इंडियन मोटरसाइकिल कंपनी है, मैसूर बेस्ड, जिन्होंने यजदी को 1973 से अपने पास बनाना शुरू कर दिया था। आई मीन टू से यजदी को यजदी के नाम से बेचना शुरू कर दिया था, नहीं तो 1960 से ये जावा के लाइसेंस के अंडर इसको जावा के नाम से ही बेच रहे थे। मतलब इसको इम्पोर्ट नहीं किया जा रहा था, इंडिया में ही मैसूर नाम जहाँ से इसे बेचा जा रहा था, इसकी सेल हो रही थी। सब कुछ बताते हैं यार आपको, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बाइक है ये। पहले तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि कहाँ पे ये है, एंड यहाँ पे रिस्टोरेशन भी हो जाएगी टू स्ट्रोक बाइक्स के अगर आप चाहते हैं। एक बार देखिए ज़रा, वहाँ पे लिखा हुआ है फैट बॉय कस्टम्स। इनका टोटल एड्रेस, नंबर, वेबसाइट जो भी अवेलेबल होगा गूगल पे, ठीक है, विद चाहे गूगल मैप पे भी आप डालेंगे ना फैट बॉय कस्टम्स नियर कटारिया चौक, तब भी आप यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं। गुड़गांव में है ये, और ये आपको बताएंगे कि किस तरह से रिस्टोर करवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि यार रिस्टोरेशन में कितने पैसे लग जाएंगे। यार अगर आपकी कंडीशन की, अगर आपकी बाइक की कंडीशन अच्छी है, ठीक है, फिर तो आप ये मान के चलो कि भैया बहुत कम पैसे लगते हैं। बट अगर डिपेंड करता है यार टोटल आपकी इंजन की कंडीशन में, कि वो रनिंग है कि नहीं रनिंग है, आप क्या किस तरह का पेंट यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की आफ्टर मार्केट एक्सेसरी लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे ऑप्शन। यहाँ पे कुणाल भाई मिलेंगे आपको, कुणाल भाई मिलेंगे या नकुल भाई मिलेंगे, इन दोनों में से कोई एक बंदा मिलेगा। आप जा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि कैसा डिज़ाइन आप चाहते हैं अपनी यजदी, जावा या किसी भी टू स्ट्रोक बाइक के लिए। अब फटाफट ऐसा करते हैं, बिना आप लोगों के टाइम वेस्ट किए इस बाइक का दिखाते हैं आपको एक वॉक अराउंड सा, उसको एंजॉय कीजिए एंड बाइक के बारे में आपको बताते हैं। और ये स्टार्ट होने के बाद या इसको ख़त्म होने के बाद ये ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपने कभी यजदी चलाई है, या यजदी छोड़ के कोई और टू स्ट्रोक बाइक चलाया है, या क्या आज भी आपके पास कोई टू स्ट्रोक बाइक है और आप उसको रखते हैं बहुत ही ज़्यादा शौक से और बहुत ही ज़्यादा संभाल के। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ शेयर करो। और इससे पहले मैंने बनाया था BMW X1 और 525D का वीडियो, जो कि मैं चाहता हूँ आप उसको भी शेयर करें, क्योंकि यार क्या है ना, मैं थोड़ा कार्स में भी आ रहा हूँ, अब बाइक्स बहुत हो गया, आप कार्स पे भी आना होगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं इसका वॉक राउंड, सो लेट्स चेक इट आउट। सारी कहानी जो शुरू हुई है वो हुई है जावा से। आप सभी जानते हैं कि जावा जो है वो एक जेक रिपब्लिक का ब्रांड है, और अगर आप ये बात नहीं जानते तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने मेरा ओल्ड जावा टू न्यू जावा वाला वीडियो नहीं देखा है। सर्च कीजिए इंजीनियर सिंह ओल्ड जावा टू न्यू जावा, वो आपके सामने होगा। दो नाम लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक है फारूक के ईरानी और दूसरा है रुस्तम एस ईरानी। ये दो हमारे पारसी भाई हैं जो इंडिया में लेकर आए हैं जावा को। यार देखो ऐसा है, इनकी ना एक और एजेंसी है बॉम्बे में थी, मतलब उस टाइम मतलब बॉम्बे यानी अब जो हो गया है मुंबई, नाम था एजेंसी का आइडियल मोटर्स के नाम पे। वहाँ पे ना ये इंपोर्ट करते थे BMW और सनबीम के मोटरसाइकिल्स।
बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चलिए आते हैं वापस अपने बाइक की तरफ। तो ये जो बाइक है जावा, इसका एक ना बहुत अच्छा सा कैच फ्रेज था जब जावा और यसडी का, जिसको कहते हैं फॉर एवर बाइक फॉर एवर वैल्यू। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप। ये जो टाइप्स है ना, ये एक ही इंजन के अलग अलग मॉडल टाइप्स है। फिर 250 रोड किंग, 350 ट्विन, 250 मोनार्क, ऐसे करके बहुत सारे बाइक्स जो है वो इंडिया में चले। यार देखो, अभी तो जो आप स्क्रीन पे ये बाइक देख रहे हो ना, इसकी फ्यूल टैंक पे पैडिंग देख पा रहे होंगे आप, या फिर कुछ ऐसे थे जिनमें इग्निशन सिस्टम होता था फ्यूल टैंक में ही। ये तो अब जो कलेक्टर्स है बड़े बड़े, जो बहुत सारे बाइक्स कलेक्शन करना पसंद करते हैं विंटेज, उनके पास ये बाइक्स आपको दिखेंगे। बात करते हैं आपके पास्ट की, तो जब ये बाइक हुआ करते थे तो इनके स्पोर्टी नेचर और रगेडनेस या फिर इसकी इजी हैंडलिंग, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इसको सीधा ले जाती थी कल्ट फॉलोइंग की तरफ। इनकी खतरनाक एक फॉलोइंग थी, और हो भी क्यों ना यार, कूल दिखता था, क्विक था, इजी टू मेंटेन था, और इंडियंस को कुछ भी नहीं चाहिए होता। आप सबको पता है कि हम हिंदुस्तानी किसी भी चीज़ को कितना प्यार देते हैं। अगर हम लोगों ने इसे इतना प्यार दिया, तो अब आप पूछोगे कि भैया ये बंद क्यों हो गया था, ये तो चलते रहना चाहिए था। यार देखो, बंद ये इसलिए हुआ था, 1996 में जो थे दरवाजे बंद हो गए कंपनी के, वो उसके होने के पीछे देखो कई लोगों ने बोला कि भैया लेबर कम हो गई थी इनके पास, कई ने कुछ रीज़न दिया, कभी कुछ रीज़न दिया, बट मेन रीज़न यार जो है वो ये है, लेबर कम हो गई थी वो भी रीज़न है, ऐसा नहीं है कि वो रीज़न नहीं था। ठीक है, उसके साथ साथ ना यार होंडा और यामाहा इंडिया आ गई थी, और कंपैरिजन होता है जब मार्केट में होती है कंपटीशन। तो यार इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी थी वो कम थी, हल्का सा ये हैवी ज़्यादा था, और उसके साथ साथ नॉर्म्स थे ना जो टू स्ट्रोक के, आप सभी जानते हैं अभी जो चल रहा है कोई भी पॉल्यूशन लॉ इंडिया में आता है, जैसे कि अभी जो चल रहा है भारत स्टेज 6 चल रहा है, जिसमें कि कैटलिक कन्वर्टर ऊपर दे दिया गया है आपकी बेंड पाइप में, जो कि एग्जॉस्ट की तरफ आपको ले जाती है, उसी तरह दोस्तों उस टाइम भी पॉल्यूशन लॉस आगे थे, और टू स्ट्रोक्स की जो एक आपको क्या बताऊँ, टू स्ट्रोक्स का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था इंडिया में, इसी वजह से ये जो है मार्केट में थोड़ा कम हो गया था इसका बिकना, या फिर यार सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग, यार मेन रीज़न यही है जो कि है एमिशन लॉ। उम्मीद करता हूं आपको मज़ा आया होगा, और अगर रिस्टोरेशन आप करवाना चाहते हैं अपने किसी भी टू स्ट्रोक बाइक की, या फिर नॉर्मल कोई भी बाइक का सर्विसिंग या कोई एक्सेसरी पार्ट लेना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं फैट बॉय। मेरा काम था आपको टू स्ट्रोक बाइक दिखा के उसकी यादें ताज़ा करवाना। तो उम्मीद करता हूं, जैसा कि आप सभी के साथ वादा किया था कि यसडी लाऊंगा इन फ्यूचर, तो यसडी लाया। एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे टू स्ट्रोक बाइक्स हैं, बहुत अलग अलग ऐसे बाइक्स हैं जिनकी हिस्ट्री के बारे में आपको जानने का मौका मिल सकता है, वो कैसे काम करते थे उसके बारे में जानने का मौका मिल सकता है। जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये जो आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिखाएंगे तो आप देखेंगे, और ये जो उसका जो ये आपका गियर शिफ्टर है, यही आपका बन जाता है किक। इसको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा अंदर को प्रेस करना होता है, ये देखिए प्रेस हो रहा है, ठीक है, ये पाँव से ही प्रेस हो जाता है इजीली। मैं बैठा हुआ इसलिए ऐसे करके दिखा रहा हूँ, इसको यू प्रेस किया और ये इजीली पीछे हो जाता है। ये किक जैसे ये पीछे होगा ना, तो ये पीछे तभी होगा जब ये न्यूट्रल हो जाएगा बाइक। कूल, ये बाइक हो गया न्यूट्रल, आप इस पर किक मारेंगे, स्टार्ट हो गया, उसके बाद यू मारा, आगे हो गया। अब प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब ये आगे जाके यहाँ पे लॉक हो जाता है। अब यहाँ से आप इजीली आपका गियर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इस बाइक को। मेरे हिसाब से तो यार मुझे तो थोड़ा छोटा लगता है ये बाइक, दिखाऊँ बैठ के, बैठ के दिखा देते यार, ये देखो कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, डबल स्टैंड पे खड़ा हुआ है अभी तो। इसका यार डुअल साइलेंसर यानी एग्जॉस्ट इसमें मिलता है, बहुत ही यार ज़्यादा ताज़े कर देने वाला ये एक ऐसा बाइक है। अगर आपको भी पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी यहाँ पे फैट बॉय में जहाँ पे हम आए हुए, इनका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं बता चुका हूँ कि सब कुछ एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि आपके पास कौन सा बाइक है, टू स्ट्रोक वाला ही मेंशन करना है। ये नहीं कि भैया मेरे पास बुलेट है, मेरे पास KTM है, ये सब नहीं दिखाने इसमें, वो मेरे दूसरे वीडियोस में। इन वीडियोस में RX100, RD350, जावा, यसडी, ये सब कुछ दिखाना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।